वापस देश लौटते हैं क्योंकि यहां पर अलग उबाल है। दिलचस्प है ये खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। क्या योगी आदित्यनाथ ने दिया बाबा रामदेव को झटका और क्या उस झटके की वजह से अब आचार्य बालकृष्ण का ये ट्वीट देखें। इस ट्वीट में आप समझ जाएंगे, उनका ये कहना है कि आज ग्रेटर नोएडा में केंद्र सरकार से स्वीकृत मेगा फूड पार्क को निरस्त करने की सूचना मिली। श्री राम व कृष्ण की पवित्र भूमि के किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का संकल्प, प्रांतीय सरकार की उदासीनता, तो शब्द को ध्यान से सुनिए, उदासीनता के चलते अधूरा ही रह गया। पतंजलि ने प्रोजेक्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। बालकृष्ण जी जो कि दरअसल एमडी है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एंड को फाउंडर है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के, देखिए उन्होंने एक छोटी सी फोटो भी यहां पर डाली है जो हर्बल पार्क बनने वाला था और कहा है कि अब इस हर्बल पार्क को हम शिफ्ट कर देंगे। ये हर्बल पार्क जरा दिखाइए, ये जो तस्वीर है इसको ऑन एयर दिखाइए, ये देखिए आप समझ जाएंगे आचार्य बालकृष्ण का ये ट्वीट। और यही वो हर्बल पार्क है, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि हम इसको यूपी से इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये उदासीनता है योगी सरकार की। बालकृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ गए हैं। बाला, आपको अलग से बता दूं ये हमारे रिपोर्टर बालकृष्ण हैं, आचार्य बालकृष्ण नहीं है। बाला, क्या ये तो अलग ही तूफान शुरू हो गया है, मतलब योगी से पट नहीं रही थी क्या, क्या बवाल हुआ? अमित शाह तो बीते दिन गए थे और सीधे पैर चरण स्पर्श किया था। देखिए जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जिस फूड पार्क को बहुत धूमधाम से शुरू किया गया था, जिसका शिलान्यास किया गया था और जिसके बारे में कहा गया था कि ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक होगा, उससे ये फैसला किया है पतंजलि ग्रुप ने कि उससे वो बाहर हो रहे हैं। अभी हमारी बात हुई तिजारा वाला से जो कि प्रवक्ता हैं, उनका कहना ये था जब हमने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से दो बार नोटिस मिला था और उनको ये कहा गया था, पतंजलि ग्रुप से ये कहा गया था कि दो सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिसको की जरूरत है काम पर आगे बढ़ने की। उनका कहना था कि एक टाइटल सूट है, उस फूड पार्क की जो जमीन है उसका कागज जमा करने थे, लेकिन बार बार स्टेट गवर्नमेंट के चक्कर लगाने के बाद ही उनको अभी तक जमीन का टाइटल सूट नहीं सौंपा गया और चूंकि राज्य सरकार ने उनको ये टाइटल सूट के कागज नहीं सौंपे इसलिए वो ये कागजात जमा नहीं करा पाए और इसी वजह से ये सारी दिक्कत आई है। उन्होंने कहा कि दो और फूड पार्क जो उत्तर प्रदेश में लगने थे उसको लेकर भी दिक्कत हो सकती है। ये बात यहाँ याद रखना जरूरी है कि ये जो फूड पार्क का जो दिया गया था वो अखिलेश यादव जब जिस वक्त मुख्यमंत्री थे उस वक्त दिया गया था और ये अगर ये बाहर होते हैं, तिजारा वाले ने ये भी कहा कि कई करोड़ों रुपए का हम लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उस जमीन पर हमारा कामकाज शुरू हो चुका है और अब अगर ये प्रोजेक्ट रद्द होता है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और यूपी के लिए भी बहुत बड़ा ये एक नुकसान होगा। धन्यवाद आपका बाला, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह का नुकसान और उसकी अंदेशा, लेकिन इन सब के बीच जो राजनीति है उस पर जरा चर्चा करते हैं। हमारे साथ रोहित सरदाना हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है न्यूज रूम से। बाबा रामदेव से बात हुई आपकी, क्या कहा? जी बिल्कुल, बाबा रामदेव से मेरी बात हुई, काफी दुखी लग रहे थे और पहले तो कोशिश करते रहे कि बात को टाला जाए, उन्होंने कहा कि नहीं इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 बार कम से कम हमारी योगी जी से बात हुई, हम उत्तर प्रदेश की सरकार से बार बार चर्चा करते रहे लेकिन वो केवल नारे लगवाने तक सीमित रहना चाहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बाबा रामदेव का कहना था कि हम इस प्रोजेक्ट को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, 6,000 करोड़ रुपए की लागत का हमने इन्वेस्टमेंट का एक प्लान रखा था, जितने लोगों को नौकरी मिलती इस इलाके में वो पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करता प्रोजेक्ट, लेकिन सरकार ने क्योंकि उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई इसलिए ये मामला रद्द हो गया। मैंने उनसे पूछा अंजना कि ये बैकआउट आपने किया है या बैकआउट यूपी की सरकार ने किया है, वो सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं बैकआउट यूपी की सरकार ने किया है। इसका मतलब ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार का वर्षन आना बाकी है। देखिए आचार्य बालकृष्ण आपके साथ फोन पर आ गए हैं, आप बात कीजिए उनसे। आचार्य बालकृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए। आचार्य बालकृष्ण जी, आजकल तो आप लोग कहते हैं कि ट्वीट पढ़ लीजिए, ट्वीट से खबर चला दीजिए, चलिए अच्छा है फोन लाइन पर आप आ गए। क्या हो गया, योगी जी के साथ अरिथमेटिक बैठा नहीं क्या? फूड पार्क बंद करके कहीं और ले जाइएगा? बालकृष्ण जी, अंजना बोल रही हूँ, बोलिए। नहीं, हम तो चाहते थे भगवान राम और कृष्ण की भूमि और उस भूमि के करोड़ों किसान भाई बहनों के लिए बड़ा काम करें और उसके लिए जो केंद्रीय सरकार का जो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है उसने उस कार्य के लिए सहयोग भी दिया, उन्होंने फूड पार्क बनाने के लिए हमको थोड़ा समय दिया, उसके लिए कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है तो उन्होंने एक बार समय दिया,
फिर हमने अभी यूपी सरकार से रिक्वेस्ट किया कि वो पेपर फॉर्मेलिटीज हमारी पूरी कर दे, और फिर हमने दोबारा रिक्वेस्ट किया तो वो टाइम बढ़ाते रहे, उन्होंने हमको समय दिया, परंतु दुर्भाग्य से उन्होंने उस चीज़ को पूरा नहीं किया। हम जबकि हमने साइट पर पूरी बाउंड्री वॉल हम बना चुके थे, साइड ऑफिस हम बना चुके थे, हमारी मशीनें आ चुकी थी, सारा काम तैयार, बहुत बड़े जोर शोर से हमने काम शुरू कर दिया था। और ये ग्रेटर नोएडा का यमुना एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोग्राम था। तो अंततः फिर पतंजलि परिवार ने यह निर्णय लिया कि जब अभी इसके यूपी सरकार की उदासीनता से फूड पार्क का जो समय था निकल गया, मेगा फूड पार्क उनको निरस्त कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर हमने सोचा कि जब उनकी उदासीनता से सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना रद्द करनी पड़ रही है तो हम अब आगे काम नहीं करेंगे, हम अन्यत्र जहां भगवान हमसे कार्य कराएगा वहां पर हम काम करेंगे। ठीक है, भगवान जहां ले जाएगा वहां जाइएगा, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन दुनियादारी के साथ साथ योग और बिजनेस भी अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी अध्यक्ष बीते दिन बाबा रामदेव के पास गए थे, केंद्र सरकार कहती है साफ नियत सही विकास, कहां पर खोट है? और कल क्यों नहीं बात कर ली बाबा ने, सीधे बात कर लेते अमित शाह जी से, कहते कि आप योगी को कहें फटाफट हमारा फूड पार्क कराएं, कहां कनेक्शन में दिक्कत आ रही है? देखिए, योगी जी से श्रद्धेय स्वामी जी कई बार मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, और मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की विकास की बात थी, जनता की समृद्धि की बात थी। हमने पूरा पेमेंट दे करके जमीन लिया था, और हालांकि पिछले सरकार ने बहुत ही शीघ्रता से सारी कार्यवाही पूरी करी थी, सब कुछ कहने के बाद में, जाने के बाद में, जब तब भी कुछ हुआ नहीं तो हमारे पास कुछ विकल्प शेष नहीं था। और माननीय अध्यक्ष महोदय मिले श्रद्धेय स्वामी जी से तो जैसे एक मुलाकातें होती रही हैं, पहले भी हम लोगों ने कभी किसी भी कार्य को राजनीतिक रूप में नहीं, अभी तो किसी भी कार्य को राष्ट्र सेवा के रूप में, जो भी उसकी व्यवस्थाएं और जो संबंधित व्यक्ति होता है, हम उनसे कार्य कर करके कार्य कराते रहे कह करके। बालकृष्ण जी, आप लोग बहुत गंभीर आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैराना और इससे पहले गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर, इन सब की हार की वजह से आपको भी एक मौका मिल गया है उनको घेरने का? नहीं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। माननीय योगी जी को हम बहुत व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं, उनके राष्ट्रवादी विचारधारा का भी हम सम्मान करते हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट की बात है, क्योंकि हम चाहते थे वहाँ काम हो, उनके सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने काम नहीं किया तो हम बंद करके शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब मेगा फूड पार्क सर, आप नकारी सरकार कह के फूड पार्क वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, ये छोटा मोटा इल्जाम थोड़ी है, क्योंकि कार्य उन्होंने नहीं किया, ये तो सत्य बात है, इसमें तो कोई सारे पेपर्स फॉर्म, अभी भी पता करिएगा कि वो फाइल हमारी कहाँ अटकी पड़ी है, यदि आप पता करेंगे तो पता चलेगा सिर्फ ढींगा मस्ती हो रही है वहाँ प्रशासन में, काम नहीं हो रहा है। ढींगा मस्ती हो रही है प्रशासन में, काम नहीं हो रहा है, मैंने सही सुना? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य बालकृष्ण। इधर उधर शब्द ना उन्होंने तोड़ने मोड़ने की कोशिश की, सीधे अपनी बात पर अडिग है, उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही है, सिर्फ इधर उधर हवाई बातें हो रही हैं, और इसी वजह से फूड पार्क पर जो काम होना था, जो पेपर्स आगे गए थे, उस पर सरकार ने इतनी देरी कर दी कि अब वो उसे कहीं और शिफ्ट करेंगे। अभी तक तो राजनीतिक दुश्मनों को झेल रहे थे योगी आदित्यनाथ, कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, नूरपुर, लेकिन इन सब के बीच ये नया बवाल अब बाबा रामदेव की तरफ से आया है, क्योंकि आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट करके कहा है कि फूड पार्क वो वहां से हटा रहे हैं। इस बीच ग्रेटर नोएडा फूड पार्क की जमीन वापस ले ली है योगी आदित्यनाथ ने रामदेव से। याद रखिए, जो संपर्क यात्रा इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर रहे हैं, उसमें बीते दिन ही वो गए थे और रामदेव से मुलाकात की थी। अभी काफी कुछ होना है इस मुद्दे पर, रखिएगा नजर, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।